एक्वेरियम में नीड स्पेस में क्या है आपको देखा होगा, सारा डिटेल मिल सकता है। एक प्लांट को लिया, ड्राई किया और उसके अंदर पॉइंटिंग करके क्या किया इसके ऊपर चिपका, ठीक है। बेसिक एक्वेरियम से इससे क्या होगा कि आपको इस पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। दूसरा मेथड प्रिजर्वेशन का दिखा रहा हूँ, ये जो है एम्फोएक्सिस से 1967 में इसको प्रिजर्व किया गया। आज अगर लगा लो तो 2007 में 40 साल उधर और 20 साल 60 साल 60 ईयर्स कुछ खराब हुए इसमें नहीं, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव क्या है, 10% फॉर्मेलिन उससे इसे प्रिजर्व किया गया है। ये आपके पास फॉर्मेलिया है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन चांसेस होता है। दूसरा ये हमारे पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज फाइबर होते हैं। ये 70-70 साल हो गए फिर भी वैसे की वैसे, किस तरीके से स्पेसिस को प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे कि आसानी से उसके बारे में हम स्टडी करें, एनालाइसिस करें। लेकिन इसकी कुछ कमियां है, अगर ये बाई चांस गलती से हमारे आँख में चला जाए तो अगर यह टूट जाए कार को क्लास नहीं हो सकते किसी को, इतना सही टूट जाए इतना खतरनाक। ये प्रिजर्वेटिव होते हैं, इन्हीं प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं स्पेसिस को, एनिमल्स को, आंटी किंगडम को रखते हैं। और ये बार्बेरियम फ्रेंड्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं स्पेसिस को ड्राई करके इसके अंदर छिपा देते हैं और फिर इसका वाइडनिंग कर देते हैं जिससे कि खराब भी ना हो और लाइफ टाइम तक चलता रहे। अभी हमने पढ़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा बार्बेरियम कहाँ पे हो गया, लंदन में, क्योंकि वहीं से पाइलोमेन हमें कहीं चले स्टार्ट होता है एनिमल सीरीज के द्वारा जिसकी इसके अंदर छिपा देते हैं और फिर इसका क्वालिटी करते हैं।